नमस्कार, आज खबर को स्वागत करूजा। संपूर्ण खबर देखा आगु आसत देखा कौन रही आज हेडलाइंस। नकली सामग्री पेंठस्थल पलटि कटक नगर जगतपुर आज पुणी नकली घी फैक्ट्री ठाब कर कोटी टकर घी केमिकाल जंत्रांश जबत कला पुलिस। बंगोपसगर में घनीभूत हो बात्या आगामी 24 घंटे दक्षिण पूर्व बंगोपसगर में सृष्टि होता लघुचाप नहीं पारे गभीर अवपात रूप सूचना देला भारतीय पाणीपाग केन्द्र। एलओसी रे उड़ुची पाकिस्तान युद्ध विमान पुंच अंचल डागुआ ठेरे ठाब कला भारतीय सेना। विमानटी वायुसीमा को उल्लंघन करिनथिबा सेना पक्षरु सूचना। शेष हो पारुनी पानी जल प्रकल्प स्वच्छ पानी टिके चुआरु पानी पिउछंती गंजाम जिलार चारिटी ग्रामर ग्रामवासी। 96 लाख टंकार टांकी निर्माण हो जाइथिले मध्ये मिलुनी बुंदाए पानी केबे पड़िबा प्रशासन नजर ताकु ही अपेक्षा। कार्यरत अवस्था रे प्राण हरैले सेल कर्मचारी। केन्दुझर जिला बलाणी रे घटी अभावनीय घटना। घटनास्थल रे चापा उत्तेजना जारी। क्षतिपूरण पाई परिवार लोकंक दाबी। वर्तमान संपूर्ण खबर। नकली तेल घी हलदी गुंड सीमेंट एपरी विभिन्न सामग्री विभिन्न समय पुलिस जबत करुछि। तबे कटक यार आखपाखु आज एक नकली घी कारखाना जगतपुर शिल्प अंचल कमिश्नर पुलिस जब्त करी कोटे टकरु अधिक नकली घी जब्त हो अवसर में पुलिस कमिश्नर सुधांशु षडंगी कहते नकली खाद्य पदार्थ विरोध में कमिश्नर पुलिस अभियान सफलता सहित चली। आज यह मिसाई 15तम चढ़ऊ कर कटक डीसीपी और अफिसर मैंने करुवा अभियान को सहयोग करने तथ्य जानते आमको देवा जनसाधारण को अनुरोध करते। पुलिस कारखानार मालिक अर्जुन पंडा और मैनेजर को गिरफ्त चढ़ाऊ में कमिश्नर पुलिस खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओजन माप निरीक्षक सामिल थे। कटकु एमडी जावेद का रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। बात्या निभार परे बंगोपसागर में दक्षिण पूर्वरे आउ एक लघुचाप सृष्टि होई छी। आज भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर यह सूचना मिली। आगामी 24 घंटा भितर दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में आखपाखे सृष्टि होता लघुचाप गभीर अवपात रूप नब आईएमडी। यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग मुह श्रीलंका उपकूल को क्रमशः अतिक्रम कर संभावना रही। प्राय पश्चिम दिग को गति कर डिसेंबर 3 सकाळ बेलकु श्रीलंकार कोमोरिन अंचल में प्रवेश कर संभावना रही। पाणीपाग विभाग कही अवपात प्रभाव में डिसेंबर 2 दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। एथिपाई एसबू अंचल को रेड वार्निंग जारी कर। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। जम्मू काश्मीर भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा उत्तेजना बढ़ चली। आज पुंज जिलार ढोकरी अंचल डगवर ठारे पाकिस्तान युद्ध विमान को ठाब कर। आज सकाळ समय युद्ध विमानटी उड़ी बुलुथिबार देखा जाइथिला। एहाकु नै भारतीय सेना पक्षरु अलर्ट जारी कर। पाकिस्तानी युद्ध विमानटी वायुसीमा को उल्लंघन करिनथिबा भारतीय सेना पक्षरु कहुआई। सूचना अनुजाई एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा भितर को प्रवेश करने को उद्यम करिथिला। तबे बीएस जवान पक्षर यह पंड कर दी जाइथिला। परे पाकिस्तानी ड्रोन फेरी जाइथिला। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। राति पाहिले पानी रो चिंता कारण पानी जल प्रकल्प लोकों शोष मेटाई पारुना बाध्य लोके नदी में चुआ कर पिउंट जल कष्ट भोगुंट। गंजाम जिला धराकड़ ब्लक जगमोहन ग्राम पंचायत अंतर्गत पुटी गोबंधन पुरशासन और नंदीगोर ग्रामर लोके ग्रामर मुख्य रास्ता कड़े तीनोटी ग्रामर लोक शुद्ध पानी जल जोगाई वसुधा योजन 96 लाख व्यय निर्माण कर 1 लाख घनलिटर जल धारणा क्षमता थिबा एही पानी टंकी किंतु ताहा सते जेपरी दांड को सुंदर बौला गाईपरी अर्थात 2014 मसीह पानी टंकी स्थापित होई विद्युत जोगाण सरी। तीनोटी जाक ग्रामर प्रत्येक गृह को पानी ट्याप संजोग होले सरकार बहु अर्थ निर्माण कर पानी जल प्रकल्प लोकों कामें आसुनी। निर्माण शेष होवार दीर्घ 6 वर्ष बीती जाते कहीं लोकं यह मध्यम जल जोगाण दि जाऊना से विषय में उपरस्त अधिकारी गुहारी कर लोके नयांत हो फल सुन अर्थात फल यथापूर्व तथा परम। एपटे शुद्ध पानी जल टोपे पाइबा उक्त तीनोटी ग्रामर लोके चातक परी चाह चाह जल काहीकले एवं लोके प्रश्न करुछन्चे सरकार एत अर्थ व्यय कर निर्माण कर पानी टांकी कहापाई। पानी टांकी निर्माण कर केवल हरिलुट कर प्रशासन अभिप्राय ना तो नदी गड़िया पानी पी लोके विभिन्न प्रकार जलवाहित रोग में पड़े उत्तरदायी प्रशासन हे तो तेज खाली देखा बाकी रहा। एक खबर प्रसारण होगापर सरकार एथप्रति कौन पदक्षेप नौ बर्तमान जो पानी पाई समस्या चली
गरीब निरीह लोक नदी की खरा को खातिर नक पा मंदे आने बहु कष्ट सम्मुखीन होती समस्त तो सक्षम ना निजे निजे ट्यूबवेल करी निजे पानी जल पाइबापाई से आम दया करूँ आपण मध्यम सरकार को पाखे पहुँचू ए कोटे टकर प्रकल्प को नष्ट नक खत खाई जाकर उधार कर आसिकार मनोज गौड़ों रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। केन्दुझर जिलार बलानीस्थित राष्ट्रायत्त उद्योग सेल कर्मचारी कालीचरण दास कार्यरत अवस्था मृत्युवरण जोगु बलानी अंचल चापा उत्तेजना जारी रही। सूचना अनुजाई कालीचरण बलानी सेल कंपानी वाशिंग प्लांट में कार्य करती आज कार्यरत अवस्था से एक उच्च स्थान खसी पड़ते फल कार्य करें तुरंत बलानीस्थित सेल हस्पिटाल ने कालीचरण घर को सूचना देते तेरे कालीचरण स्त्री नाबालक पुत्र संपर्क तुरंत सेल हस्पिटाल जा कालीचरण संगे कथबार्ता होते कि समय पर कालीचरण उक्त हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्था मृत्युवरण करते यहाँ परिवारवर्ग और कर्मचारी संघ पक्षर मृतकों पर क्षतिपूरण और स्थायी निजुक्ति दावी करते। यूनियन के सभी यूनियन का बुलानी और माइंस में यही कहना है कि ड्यूटी आवर में डेथ हुआ है, चाहे वो किसी तरह का भी डेथ हो, हम लोग का परमानेंट जो है एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए, इसके अलावे और कोई पे समझौता नहीं हो सकता है। नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि हम लोग मिल करके बात करेंगे और उसके अगेंस्ट में जो कदम सारे निर्णय लेंगे वो कदम उठाएंगे। बड़बिल्लो एमडी नजीर को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। तालचेर लिंगराज कोईला खणि अधीनस्थ एलएनटी कंपानी निर्माण कार्य करुथिबा साइलोरे सिक्युरीटी कर्मचारी भाव तालचेर पाखापाखि अंचल क्षतिग्रस्त प्रजा भाव प्राय 25 रु अधिक बेकार युवक दीर्घ 6 वर्ष हेब कार्य करिआसुथिले किंतु एलएनटी कंपानी 6 मास हेला कार्य अवधि शेष होइछि किंतु संपृक्त कंपानी कार्यरत थिबा सिक्युरीटी कर्मचारी मानंकु बिना नोटिस रे कार्य बंद करबा सहित फुल एंड फाइनल प्राप्य नदेई कंपानी बंद करी अन्यत्र स्थानांतर होइछि फळरे दीर्घ 6 मास हेब असुविधा रे गति करुछंती 25 गोटी परिवार ए समस्या नहीं गत मासरे लिंगराज महाप्रबोधक कार्यालय सम्मुखें पुनः निजुक्ति और थैथान दावी धारणा रे बसिथिले 25 जन कर्मचारी लिंगराज महाप्रबोधक श्री राजु उक्त 25 जन कर्मचारी प्राथमिकता दे जेकोसी कार्य निजुक्ति देवे दृढ़ प्रतिश्रुति देवापर धारणा प्रत्याहत होता किंतु अद्यावधि कौनसी निजुक्ति नहेबाकु नै आज पुणि थे सिक्युरीटी कर्मचारी मैंने माँ हिंकुला सिक्युरीटी संघर सभापति निरंजन प्रधान और षोल नंबर जिला परिषद अनुपमा प्रधान नेतृत्व में लिंगराज महाप्रबोधक कार्यालय आगे धारणा बसपर्यंत आमको निजुक्ति न मिली से पर्यंत आम धारणा बसबू और जदि लिंगराज महाप्रबोधक आम कथ न शुणी आगक संपूर्ण लिंगराज कोईला खणी को बंद कर विक्षोभ प्रदर्शन हो धारणाकारी प्रकाश कर 6 वर्ष होगा सिक्युरीटी तापर साइल कंपानी पलैगला साइल कंपानी पलैगलापर आम जेएम सार कर आसलु जेहेतु आम जेएम सार कही 25 जन को से निजुक्ति देवे जोसी कंपानी आमको थैथान करेंगे जेएम सार कौन राजनीति करम पिला छुआ कमी पर पोषु आम कमी कौन करूँ आम कौन बाहर को खटिजु ना कौन आम हजार ब्लक पिला समस्त आम कुआ जीव कौन करोना टाइम आम कुआ जीव जेएम सार कौन आम खेलों कौन प्रतिश्रुति हजार थर जी कौन आमको दबड़ा आज बड़ दुखर विषय एमने जो पिला बसई जमी अजा नाती टाइप रेल खेल जीएम आपीएम अदय बड़ दुखर विषय लोक मान लोक प्रतिनिधि मानक बहुत अन्या अत्याचार कर पाने आज विषय है जेपर्यंत आम निजुक्ति नपाइबु से पर्यंत आज धारणा बस रही माँ हिंगुला सिक्युरीटी संघर सब सभ्य मैंने आज बस लिंगराज क्षेत्र स्फटिक ते तालचेरु अनुराग आचार्यों रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। चलित बर्ष कोरोना कटकणा मध्य कोणार्क प्रेस क्लब एवं पर्यटन विभाग तरफ आयोजित तो होई मिनी साइक्लोथन कार्यक्रम एणार्क पर्यटन अधिकारी सरोजकांत प्रधान उत्कल सांबादिक संघर सभापति विभूति भूषण कर अस्तरंग ब्लक चेयरमैन स्वाधीन कुमार नायक तथा कोणार्क अंचल बहु मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थे पर सूर्य मंदिर सामनारु साइकिल रैली को पताका देखा उद्घाटन करणार्क कलेज स्कूल छात्र छात्री जोगदे तेज कोणार्क सूर्य मंदिर एक साइकिल रैली शोभायात्रा बाहरी कोणार्क बजार परिक्रमा
रामचंडी ठारे पहुंचीला। ए मिनि साइक्लोथोन मूल उद्देश्य थिला कोणार्क पर्यटन स्थल को किभली पॉलीथिन प्लास्टिक मुक्त करने सहित सुस्थ जीवन अतिवाहित करबा। कोणार्क बजार दुकान मानू पॉलीथिन न व्यवहार करने परामर्श देवा सहित अर्क क्षेत्र को सबुज सुंदर करने अधिकरू अधिक गच्छ लगवा आह्वान दिया। निश्चित भाव में आज जो कार्यक्रम कोणार्क प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कर विश्व समुदाय को एक बार्ता देवाई आम सुस्थ रही जदि आम चारिपाखर परेश स्वच्छ रखा और सबुजीमा को बजाय रखा तेज आम सुस्थता बजाय रही बार्ता कोणार्क प्रेस क्लब देखें कोणार्क बार्ता निश्चित भाव में सारा विश्व को प्रसारित हो बार्ता अधिक आहरी आकर्षण हम और अधिक प्रसारित होवे सहयोग कर। गोप्रो देवाशिष सेठी रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। कटक जिला सालेपुर गोपीनाथपुर बालुकेश्वर मंदिर परिसर में इनर ह्विल क्लब पक्षर् निर्माण हैंड वाश प्लाटफर्म को शुभारंभ कर क्लबर अध्यक्षा इना पुरोहित उद्घाटन करते बालुकेश्वर मंदिर मैनेजिंग ट्रस्टी बीरंची नारायण दास संयोजन इनर ह्विल क्लबर सभानेत्री लोरा रथ लोपामुद्रा मिश्र प्रमुख उपस्थित थे। यहाद्वारा मंदिर को आसुवा श्रद्धा उपकृत होते। सालेपुर प्रफुल्ल मिश्र रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। खाँ खाँ लगुची ओला शुणीपीठ शीत ऋतु आरंभ में देखा मिले पर्यटकों भिड़ बणभोजी बे सुहाईता है पर्यटनस्थल पर्वत शिखर में अवस्थान होता जो पिकनिक करने लोके बे स्थानी पसंद करतीस पीठ से रही अनेक ऐतिहासिक किंवदी मंदिर मालिनी सांग को पर्वत शिखर दृश्य अति मनोरम हेले कोरोनापाई चलित बर्ष लोकसीन हो पीठ पर्वत शिखर बणभोजी स्थानगुड़िक सेमती खाली पड़ी मंदिर बेढ़े ना अच्छे भक्तों समागम ना रही पूजा अर्चना ना शुभुची घंट हुलाहुली ओलाशुनी पीठ 2017 मसीह पर्यटन स्थल स्वीकृति पाई बेले 1837 मसीह प्रत्येक वर्ष फेब्रुआरी मसरे एठारे गुंफा यात्रा अनुषित हो आसुची शीत ऋतु आरंभ सांगक यात्रे मजा स्थानीय अंचल जनसाधारण और अन्य जिला मानू आसीथिबा पर्यटक माने बेस उपभोग करथांती बड़ खेमुंडीर राजा बलभद्र देव एवं पर्वतरे साधना करिबा समाधि नेथिले एही पीठ को महापुरुषों समाधि पीठ कहुए एठारे भिन्न एक भोग लागि करा जाय जहाकी पोड़पिठा और सुखुआ भोग लागि थाए। प्रत्येक वर्ष पर्यटकों भिड़ जमुवा ओलाशुणी पीठ कोरोनापाई एवं खाली हो पड़ी ए कोरोना महामारी हिंदू मान 12 मास 13 पर्व सब फिका पड़ जा केवल ओलाशुणी पीठ नुहे आम ये भारत वर्षर पृथ्वी वर्षर प्राय सब धर्म अनुष्ठान अवस्था बर्तमान से देखाई से संकट देखाई जहाँफल धर्म अनुष्ठान प्रकृत अलंकार हूँ भक्त श्रद्धा दर्शक पर्यटक ये हूँ प्रकृत अलंकार जदि धर्म अनुष्ठान को जदि दर्शक भक्त श्रद्धा जदि न जाती से धर्म अनुष्ठान महत्व किसी रहे ना से एक श्मशान सदृश पाल्ट जाए। बच्चन तापस मिश्र रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। गंजाम जिले में बड़धरणर अपराधी गोष्ठी खुलासकला आसिका थाना पुलिस बहु परिमाण बंदूक सह मरणास्त्र एवं अपराधी गोष्ठी को गिरफ्त करा जाइछि। आसिका थाना आयोजित तो सांबादिक सम्मेलन एने सूचना देखते गंजाम अतिरिक्त एसपी विजय कुमार मल्लिक आठ जन को गिरफ्त कर 10 बंदूक 10 अफुटा बोमा 53 जीवंत गुड़ी बहु मरणास्त्र और 4 मोटरसाइकल जब्त हो गिरफ अभियुक्त मैंने गंजाम जिलार विभिन्न स्थान में हत्या उद्यम डकायती और दादाबटी और राहाचानी घटन संपृक्त थिबा कुहा जायछि। तेबे अपराधी मानक पक्षरु एककालीन भाव बहु परिमाण बंदूक जबत होगा पुलिस इतिहास रे प्रथम घटना बोली कुहा जायछि। आसिकारु मनोज गौड़ रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। रायगड़ा टाउन थाना पुलिस को मिली बड़ सफलता गतकाली सहरर साइप्रिया नगर तीनोटी गोदाम रे चढ़ाऊ करी 330 बस्ता गुटका जबत कर गुटका कारबार किंगपिन आई रवि कुमार को पुलिस गिरफ्त कर अधिक पचराउचरा कर जबत होता गुटकार बजार मूल्य प्राय 25 लाख टंका हबो बोली रायगड़ा एसपी सूचना देखते तेरे गुटका कारबार में आउ किए किए सामिल अच्छा तार खोलताड़ आरंभ कर टाउन थाना पुलिस चढ़ाऊ में एसआई मानस कुमार साहू शिवशंकर साहू जस्मिता बेहरा के सीएस बेहरा और सुशांत शतपथी सामिल थे। एने थाना एक केस रुजु कर थाना आईआईसी निहारंजन प्रधान सूचना देखते रायगढ़ टाउन रे शहर रे गोडाउनस रे इलीगली गुटका स्टोर करी जड़े बिक्री करती खबर पाई पुलिस तार ना अच्छी रवि कुमार से अच्छी रायगढ़ रे रानीगुड़ा फार्म रही लोक टोटल गुटका सबु मिसिकी पाखापाखी 25 लाख वर्थ अच्छी मार्केट रे से अक्यूज अरेस्ट होई छी जो मेन किंग पिन अच्छी बाकी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हम कर। रायगड़ा रो स्मृति अंजन महंती को रिपोर्ट
ଡି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚୋରା ମଦ କାରବାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନିରବଦଷ୍ଟ ସାଜିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବ୍ଲକକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଇନ୍ଦିପୁର ଓ ଅଳପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚୋରା ମଦ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବାର ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ମଦ କାଇପଡ଼ା ଗମୁ କୃଷ୍ଣନଗର ମହାକାଳପଡ଼ା ଆଦି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ବରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ି ବେଆଇନ ଭାବେ ବରୀରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏସବୁ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣରେ ପରିଚୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କିଭଳି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁନି ତାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଇନ୍ଦିପୁର ଓ ଅଳପୁଆର ଦିବାଲୋକରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପେଟି ପେଟି ଚୋରାମଦକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି କାହିଁକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏବେ ପୋଲିସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାଲିଆପାଳ ଛକ ନିକଟରୁ ଦେଶୀ ମଦ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଚୋରା ବେପାରୀଙ୍କୁ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ମଦ ବେପାରୀ ଜଣକ ସୁଜନପୁରରୁ ଦେଶୀ ମଦ ଆଣି ବରିବାର ଆଖପାଖ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଏ ବୋଲି କହିଛି। ସେହିପରି ପୋଲିସ ବାଲିଆପାଳ ହାଟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି। ବରିରୁ ସ୍ନେହାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ମଣିଷର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବେଳେବେଳେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଅସହାୟ କରିଦେଇଥାଏ। ତାହା ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଭଳି ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଆଜିଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ବରୀ ମାଉଣ୍ଟ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ରାତି ପାହିଲେ ଭୋକର ଜଳା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଥାଏ, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତେବେ କିଏ କେତେବେଳେ ଏହି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଣରୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ରାଜନେତାମାନେ ନିଜର ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବିପାକ ବେଳେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଜର ପ୍ରତିହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଅସହାୟ ଅଜୟ ସତେ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଢୁଆଳରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଆ ପାଇଁ ସବୁ ଯେମିତି ସାତ ସପନ। ବହୁ ସମାଜସେବୀ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ହେଲେ କାହାର ନଜର ପଡ଼େନି ଏହି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ସକାଳ ସମୟରେ ବାନ୍ତି କରି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବରୀ ବଜାରରେ ହଠାତ୍ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆଜିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମାଜସେବୀ ସତ୍ୟକର। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସମାଜସେବୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ନିଯାଇଥିଲେ ଏକ ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନକୁ ଓ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚୁଟି କଟାଇଥିଲେ। ନିଜ ହାତରେ ସାବୁନ ମାରି ଗାଧୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ତେବେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କସ୍ତୁରବା ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଭାରତୀୟ ପାଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜିଙ୍କୁ ଏକ କମ୍ବଳ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସତ୍ୟକରଙ୍କ ଏଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବରୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ତେବେ ସର୍ବଶେଷରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆଜିଆର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟକର। ବରୀରୁ ସ୍ନେହାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋରଭା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ମୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭଗବାନଙ୍କ ଘର। ଭଗବାନଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଓ ଏକମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ଏହି ପରିବାର। ଭଗବାନ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଦଇପ ସାଜିଛି ଦାଉ। ପରିବାର ହସଖୁସି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଭାଗ୍ୟ। ଭଗବାନ ଏବେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ। ଭଗବାନଙ୍କର 2 ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେ। ସେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯାହା କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା ସବୁକିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ। ତେବେ ଏତିକିରେ ସରିନି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ସେପଟେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ। ବାପା ହାର୍ଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍। ଏବେ ସମସ୍ତେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଗାଁ ଲୋକେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଯିଏ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟ ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ପରିବାର ଅବସ୍ଥା ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କେହି ସ୍ୱହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ 9668253138ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ଶିଶି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।
जमीबाड़ी विवाद को केन्द्र करी जघन्य हत्याकांड सावत भाई एवं पुतुरा को विभत्स भाव हत्या कला भाई एभली एक घटना घटी कप्तिपदा थाना अंतर्गत छांचुनिया ग्राम से मृतक घनश्याम हेम्रम को गत बुधवार दिन खैरा थाना अंचल को सावत भाई तुसिल हेम्रम काम करने डाकने योजना मुताबक हत्या करने गतकाली पुतुरा कुआर हेम्रम को बिलरु घर को धान नटा आणुवा बेले जंगल रास्ते पछर आसी एक छुरी साहय हत्या करता उक्त मृतदेह को कांथ बोही पाखे रूपाड़शाल जंगल में मृतदेह को लुचाई हत्याकांड प्रमाण नष्ट जा रक्त पड़ा स्थान में गोबर पा पक सहित रक्त भिजा लुगा को एक केनाल गर्तरे पोति देथिला तेबे परिवार लोके खोजा खोजी करबा परे घरटु किछि दूररे एक स्थानरे रक्त पड़थिबार देखि कप्तिपदा थानेरे अभियोग करथिले अभियोग पाइबा परे कप्तिपदा उपखंड पुलिस अधिकारीको सहित कप्तिपदा थानाधिकारी संजय कुमार प्रधान एवं बारिपदारु संधानी कुकुर डकाई लुचा जाइथिबा सबकु ठाब करबा सहित हत्याकारी तुसिल को गिरफ्तार करा जाइथिला एने खैरा थाना अधिकारी सुब्रत बेहरा कप्तिपदा थाना सी घटनार केस नंबर 250 कोड़े को नहीं तदन चल कप्तिपदा थानाधिकारी केस नंबर 322 कोड़े एक मामला रुजु करने मृतदेह को व्यवच्छेद उदला पठा जाइए उदलार सत्यवान नायक रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। दिनक दिन बढ़िबार लगी सोर सरकारी डाक्तरखानार डाक्तरंक घरोइ चिकित्सा प्रीति सोर सरकारी डाक्तरंक पई जेपरी नीति नियम नाही किछि डाक्तर किछि टंका पई निजर घरोइ क्लिनिक रे बसी लोकमानक ठारु टंका नेउथबा अभिजोग आसुछि जे घरोइ क्लिनिक न जीव सिए एमिति दुर्व्यवहार शिकार हो बोली कहिछन्ति सोर सरकारी डाक्तर। एने थाना रे मध्य मामला पहुँचिछि। बालेश्वर जिला सोर पौरपालिका पठन महल अंचल शेख कुदुसंक स्त्री सरेरा बीबी सोर डाक्तरखाना को चिकित्सा पई जाइथिले मात्र डाक्तरंक परामर्श क्रमे पुनर्बार ब्लड प्रेशर चेकअप करबाकु जाइथिबा समय डाक्तर कोविड टेस्ट करबा पई कहिथिले मात्र सरेरा कोविड टेस्ट काहिके करबि प्रश्न करिवारु डाक्तर अमित पंडा गाळीगुलज करबा सह मां एवं झियो को विभिन्न प्रकार दुर्व्यवहार करितिबा सरेरा बीबी सोर थाना रे अभियोग करछन्ति। तबे डाक्तरंकु लोके भगवान मानथो बले डाक्तरंक एपरि व्यवहार को नै विभिन्न महल रे नापसंद करा जाइछि। कल 5:30 बजे मैं प्रेशर मापाना है तो मापाने के बाद में मुझे बोली नहीं आपको बाहर का दवा लिखा जाएगा। मैं पेक्सिसन में भी बाहर का दवा लिख दिए हैं तो मैं सुबह 10:30 बजे आया। आने के बाद में बोली मैं कल आप करोना चेक करिए करोना चेक करिए पहले। मैं कहा सर कल 5:30 बजे मैं आया फिर अभी का मुझे करोना हो गया क्या? अब देखिए पेक्सिसन मुझे नहीं देख के मैं फिर जहाँ पर डेसी में था मैं वहाँ गया उनको बोली वो फिर साथी लेकर आए अमित पंडा सर बोली मुझे कि आप मुसलमान मेरा ओडिया जात में क्यों आते हैं मुसलमान मुसलमान में ही औकात में रहेगी। रगिरु गैधर शंकर रिपोर्ट डी टीवी ओडिया। मयूरभंज जिलापाल कार्यालय सम्मुख में कुनी झील परी हत्याकांड घटनार सीबीआई तदंत दाबी ने मंत्री अरुण साहू बहिष्कार दाबी में ओडिशा सूचना अधिकार अभियान मयूरभंज शाखा तरफ शांतिपूर्ण गण विक्षोभ दी जाइए। संगठन पक्षर् जिला सभापति सतोष महांती नेतृत्व में शांतिपूर्ण विक्षोभ प्रदर्शन कर जेपर्यंत परी को न्याय न मिली और परी हत्या मामलार पर्दाफाश न होतेदिन पर्यंत बीजेपी तार आंदोलन को जारी रखे बोली जिला सभापति श्री महांती दोषी को दंड देवा परिवर्तन से राज्य सरकार पक्षर् समस्त सुरक्षा दीजा जनसाधारण चर्चा होती दुर्भाग्यजनक घटना। नयगढ़ परी हत्याकांड घटन प्रमुख अभियुक्त बाबुली नायक मंत्री अरुण साहू खास लोक थी बेले खोद अरुण साहू विभिन्न समय परी बापा माँ और अन्न धमक चमक देणु ए घटन अरुण साहू संप्रति स्पष्ट जमापड़ी राज्य सरकार तुरंत मंत्री विरोध में पदक्षेप निशा सूचना अधिकार अभियान पक्षर् दावी जन आज जो परीर हत्या घटना जो खुलासा होती एवं सौम्यरंजन प्रधान आम सूचना अधिकार अभियान जो सरपंच आम सांगे काम कर सारा ओडिशार जो प्लाटफर्म से जो खुलासा कर अरुण साहू एवं तांकर संपर्क मैंने लिप्त अच्छा तेणुक आम दाबी करूँ जतशीघ्र यथाशीघ्र निरपेक्ष तदंत सीबीआई को केस दि जाऊ अरुण साहू को जिते पर्यटन तदंत न सरी सेठार बहिष्कार कर मंत्रिमंडल तत्संगे संगे प्रधान आम जो सरपंच अच्छा किभली भाव में सुरक्षा मिल पार पर किभली सुरक्षा मिल पार ताम दावी करूँ। मयूरभंज संजीव रंजित रिपोर्ट डीटीवी ओडिया।
ଏହୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୀର ଜାହାନିଆର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ବଣଭୋଜି ଜମିବା ସହ ସ୍ନାନର ମଧ୍ୟ ମଜା ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଧ ପଶାଳିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜା ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଛୁରିଆନା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିରିଧାନୀ ଯାତ୍ରା ଆସେ ସେଥିରେ ଆମେ ବେପାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ ଆଉ ଗହଳିରୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗରୁ ବିନୟ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ନକଲି ସାମଗ୍ରୀର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି କଟକ ନଗର। ଜଗତପୁରରୁ ଆଜି ପୁଣି ନକଲି ଘିଅ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଠାବ କରି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘିଅ କେମିକାଲ ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ନେଇପାରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ, ସୂଚନା ଦେଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଲଓସିରେ ଉଡୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ପୁଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଗୁଆଠାରେ ଠାବ କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ବିମାନଟି ବାୟୁସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନଥିବା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ଚୁଆରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି। କେବେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ସେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଲାଣୀରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି, କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବି। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।